हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंश्योरेंस से रिलेटेड, जहां मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, नेबर, रिलेटिव्स, कलीग्स एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है तो मुझे और इंश्योरेंस लेना चाहिए क्या नहीं, या मेरे पास जो इंश्योरेंस है वो सफिशियंट है कि नहीं, या मेरे पास जो इंश्योरेंस है वो रिलायबल है कि नहीं। ये कॉमन क्वेश्चन मेरे फ्रेंड सर्कल में या मेरे नेबर, रिलेटिव या एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आता है। तो इस वीडियो में आपको एक स्टोरी के साथ इसका जवाब दूंगा। तो होता ऐसा है कि एक शहर में एक बहुत बड़ी सर्कस आती है जो शो अरेंज करते हैं सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए, जिसके अंदर सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, बड़े बड़े लोग आते हैं जो बड़ी मुश्किल से अपना टाइम निकाल के उस शो को देखने के लिए आना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए शो अरेंज होता है और इस शो का हाईलाइट रहता है स्टंट्स, जो कि एक हाइट पे होता है। होता ऐसा है कि सर्कस के एक दिन पहले रात में उनके वेयर हाउस में, जहाँ प्रोटेक्शन का सामान रखा हुआ होता है, जहाँ प्रोटेक्शन नेट्स रखी होती है, वो जल जाती है। और अचानक से सुबह मैनेजर सारे स्टंटमैन को अपने पास बुलाता है और उनके लीडर से बोलता है कि बॉस, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि आज का जो शो है हम कोई भी हाल में कैंसिल नहीं कर सकते, हमको ये शो बिना नेट के ही करना पड़ेगा क्योंकि आग लग चुकी है और सारा का सारा प्रोटेक्शन का सामान जल चुका है। तो स्टंटमैन बोलता है, बॉस ऐसे कैसे हो सकता है, मैं स्टंट कर रहा हूँ, मेरी टीम स्टंट कर रही है, हमारे लिए प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, अगर मेरा कोई भी स्टंटमैन या अगर मेरे टीम का कोई भी बंदा या मैं खुद भी अगर कहीं गिरता हूँ तो इसके अंदर हमारे हाथ पैर टूटना तो दूर की बात है, हमारी जान भी जा सकती है, तो हमारे लिए प्रोटेक्शन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको नेट का अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मेरी टीम ये नहीं कर पाएंगी। तो मैनेजर बोलता है, बॉस पॉसिबल ही नहीं है, अपने पास इतना टाइम नहीं बचा कि मैं दूसरे नेट का अरेंजमेंट करूँ, बट यस मैं आप लोगों के लिए इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि मेरे पास अपने जहाँ जब सर्कस शुरू हुई थी तो एक छोटी सी नेट पड़ी थी, पर आप मुझे बता दिए आप कहाँ गिरोगे या आपके टीम का मेंबर कहाँ गिरूंगा, मैं वो नेट वहां लगा दूंगा। तो स्टंटमैन स्माइल देता है, बोलता है, यार क्या बात करो सर, आप मुझे कहाँ से पता कि मैं कहाँ गिरूंगा या मेरी टीम का मेंबर कहाँ गिरेगा। तो मैनेजर बोलता है, अरे नहीं, आप तो इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो, कई सालों से स्टंट करते आ रहे हो, आपको पता है कि अगर गलती हुई तो आप कहाँ गिर सकते हो, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं नेट वहां लगा देता हूँ। तो फिर से वो स्माइल देता है, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे क्या, मेरी टीम में से किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गिरेगा, और अगर जहां आपने नेट बनी वहां ना गिरते हो, कहीं और गिर गया तो उसकी जान जा सकती है। तो मैनेजर बोलता है, बॉस मेरे पास तो वही एक नेट है, लेकिन हाँ एक और नेट है जो दो चार जगह से फटी हुई है, अगर वो चलती है तो बता दो। तो स्टंटमैन बोलता है, तो आप बोलना चाह रहे हैं कि आपकी जान नहीं जा सकती बट हथियार भी टूट सकते हैं, क्योंकि वो नेट संभाल पाएंगी कि नहीं पाएंगी ये भी आपको आइडिया नहीं है। तो ये भी चीज मेरे लिए एक्सेप्टेबल है नहीं है, मेरे टीम के लिए, किसी के लिए एक्सेप्टेबल है नहीं कि एक फटी हुई नेट पर हम लोग प्रोटेक्शन के साथ इतनी हाइट पे जाके स्टंट करें। तो फिर बोलता है, अरे हाँ 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 एक नेट है मेरे पास, बट मुझे रिलायबल सोर्स नहीं पता, मैंने किससे लिया था, कब लिया था, कौन सी कंपनी की, उसकी क्वालिटी वालिटी का कुछ आइडिया नहीं है, आप बोलो तो वो मैं लगा देता हूँ, वो कम से कम आधा से ज्यादा एरिया कवर कर ही लेंगे सर्कस का। तो फिर स्टंटमैन बोलता है, बॉस जब आपको ही नहीं पता आपका रिलायबल सोर्स कौन सा है, आपने कहाँ से लिया था, और आप ही खुद बोल रहे हैं कि उसकी क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं है, तो मैं मेरी टीम की, मेरी सारी टीम की, मेरी खुद की जान क्यों जोखिम में डालूं। माना बहुत सारे वीआईपी आए, माना बहुत सारे एक्टर्स आए हुए हैं, ये शो वन ऑफ द बेस्ट है, अगर ये शो नहीं हुआ तो हो सकता है हमारी बदनामी हो जाए, मीडिया में इसकी बात हो जाए, बट मैं ये नहीं कर सकता। तो होप सो मैंने आपके सारे पॉइंट्स इस छोटी सी स्टोरी के द्वारा क्लियर किए। पहला पॉइंट, क्या मेरा इंश्योरेंस सफिशियंट है, तो जरूर अपने ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करें, या आप किसी इंश्योरेंस एडवाइजर या इंश्योरेंस एजेंट से मिले जो आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करके दे। नंबर टू, जिस कंपनी से आप इंश्योरेंस ले रहे हैं वो IRDAI रजिस्टर्ड है कि नहीं, या उसका एजेंट IRDAI रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये जरूर चेक करें। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका इंश्योरेंस कितना लिया है आपने, और वो रिलायबल सोर्स से आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। होप सो आई हैव क्लियर ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस। थैंक यू वेरी मच।